पांच व्यक्ति थी वधारे लोको रहता होय तेवा कुटुंब ने संयुक्त कुटुंब कहेवाय। बराबर, चार के पांच व्यक्ति थी वधारे, बराबर, चार के पांच व्यक्ति थी वधारे लोको भेगा मळीने रहता होय तेवा कुटुंब ने संयुक्त कुटुंब कहेवाय। एना केवुं तो विभक्त कुटुंब छे, तो के विभक्त कुटुंब बीजो प्रश्न छे, विभक्त कुटुंब कोने कहेवाय छे, तो के जे कुटुंब मां पति पत्नी अने तेना बाळको ज रहता होय तेवा कुटुंब ने विभक्त कुटुंब कहेवाय छे। बराबर, ज्यां तमे रहता होय तो तमारा भाई बहेन तो ए कुटुंब केवुं छे, तो के विभक्त कुटुंब। बराबर, त्यार पछी त्रीजो प्रश्न छे के लग्न प्रसंगे केवा गीतो अने नृत्य करवामां आवे छे, तो के लग्न प्रसंगे पोतानी रीति मुजब गीतो अने नृत्य करे छे, जेम के पीठी चोड़ता होय तो पीठी ना गीतो गाता होय छे, पछी लोहण फेरा करता होय तो एना फेरा ना गीतो गाता होय छे, सांजे दाणिया वस्ते एवं राखेलू होय तो ई रीति प्रमाणे नृत्य ने गीतो गाता होय छे, અને વિદાય હોય તો વિદાય વખતે પણ વિદાયના ગીતો ગવાય છે, એટલે એ લોકો એની વિધિ અને પોતાના રીત રિવાજ મુજબ છે ગીતો અને નૃત્ય કરતા હોય છે। હજી આગળ થોડા નાના પ્રશ્ન છે, એ આપણે આના પછીના લેક્ચરમાં જોશું, અને આ છે તમારા બધું પાકી બુકમાં લખી લેવાનું છે। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, થેન્ક યુ।